कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिन रात ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने डिसइंफेक्शन टनल का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा की पुलिस लाइन में तैयार की गई डिसइंफेक्शन टनल से पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सफाई कर्मचारियों को बहुत सहूलियत मिलेगी। बिहार के लखीसराय में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे ही कई लोगों को लखीसराय पुलिस ने गश्त के दौरान शहर की एक सब्जी मंडी में देख लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उन पर लाठियां चलाई। पुलिस वाले सब्जी मंडी में बेवजह घूम रहे एक आदमी से कान पकड़कर उठक बैठक कराते भी दिखे। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वालों ने सब्जी बेचने वालों को भी लॉकडाउन न तोड़ने की चेतावनी दी। पब्लिक नहीं चेतेगी तो हम लोग और सख्त होना पड़ेगा, और सख्त होने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज हो जाएगी और अनावश्यक घूमने वाले को हम लोग जेल भेजेंगे। गुजरात के सूरत से कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान एक चौंकाने वाला किस्सा सामने आया है। यहां आशा वर्कर्स ने उनके साथ की जा रही बदसलूकी का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर जिला प्रशासन मेडिकल सर्वे करवा रहा है और इसके लिए आशा वर्कर्स घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रही है। मगर आशा वर्कर्स का आरोप है कि लोग CAA और NPR का सर्विस समझ कर उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। तो ये तस्वीरें सूरत से आप देख रहे हैं, जहां आशा वर्कर्स ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। काफ़ी संगीन मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर घर घर जाकर सर्वे कर रही, जांच कर रही आशा वर्कर्स ने कहा है कि CAA और NPR के लिए सर्विस समझकर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और ये आशा वर्कर्स अब मांग कर रही हैं कि उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बजे का कोरोना बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं और न्यूज 18 इंडिया पर कोशिश हमारी यही है कि हर एक खबर आप तक पहुंचाएं। छत्तीसगढ़ में 8 लोगों को कोरोना का संक्रमण देने वाला 16 साल का लड़का ठीक हो गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। ये लड़का तबलीगी जमात से जुड़ा था और इसके संपर्क में आने से 8 और लोग महामारी की चपेट में आ गए थे। लड़के को 4 अप्रैल को एम्स में भर्ती करवाया गया था, 6 दिन में ही उसे छुट्टी मिल गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 19 केस थे जिनमें से 10 लोग ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए अब पूरे शहर में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल मुंबई में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी कि लॉकडाउन के बावजूद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद हल नहीं हो रहा था और कोरोना के संक्रमण का फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। लिहाजा पुलिस ने लोगों को घरों में ही बने रहने और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से लागू करवाने की गरज से फ्लैग मार्च किया है। पंजाब के मोहाली के जवाहरपुर गांव में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को जवाहरपुर में 2 नए केस सामने आने के बाद अब जवाहरपुर में ही कोरोना के 34 केस हो चुके हैं। लेकिन यहां का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि अभी तक जवाहरपुर में मुख्य सोर्स का पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये कोरोना इस गाँव तक आया तो आया कैसे। 2500 लोगों की आबादी वाले जवाहरपुर गाँव में लगातार लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। इन नए मामलों के सामने आने के बाद मोहाली जिले में ही कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 50 पहुंच चुका है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल इंदौर से एक अच्छी खबर आई है। इंदौर में कल 12 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। CM शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और खुशी जताई। इंदौर में अब तक 235 केस सामने आए हैं जबकि 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इंदौर में मरीजों के मुकाबले मौत का प्रतिशत करीब 12% है जबकि देश में यह आंकड़ा करीब 3% है।
लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और इसी के मद्देनजर दिल्ली की सभी मंडियों पर भीड़ पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने ड्रोन कैमरों का बंदोबस्त कर लिया है। मंडियों के पास बनाए गए पुलिस पिकेट में मौजूद पुलिस वाले मंडियों में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत भी दे रहे हैं। इंदौर टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना संदिग्धों की जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला करने वाले चार आरोपियों में एक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कुछ दिन पहले इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में कुछ लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया था और उन्हें वहां से भगा दिया था। बाद में पुलिस ने हमला करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर जबलपुर भेज दिया था। उन चारों आरोपियों में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जबकि तीन की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना से निपटने और लॉकडाउन बढ़ाने जैसे मुद्दे पर पीएम मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक इस वक्त चल रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिया है कि वो जो भी सुझाव देंगे उसे लागू किया जाएगा। पीएम ने कहा कि अगर किसी को उनसे बात करनी है तो वो 24 घंटे फोन पर उपलब्ध हैं और मुख्यमंत्री उनको फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सातों दिन और 24 घंटे खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के सुझाव से उन्हें फैसले लेने में आसानी होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने यह भी अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान रेल, हवाई और सड़क यातायात पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। त्रिपुरा में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 32 साल के जवान में कोरोना पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। ये जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ट्रेन में त्रिपुरा के पहले कोरोना मरीज के संपर्क में आया था। 5 दिन पहले ही त्रिपुरा में कोरोना का पहला केस सामने आया था। बटालियन के बाकी सदस्यों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है और आगे की जांच की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में अब कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी पर असामयिक मौत होने पर परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें कोरोना अभियान में शामिल सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। जो स्वास्थ्यकर्मी नहीं है उनके लिए भी, जो सरकारी कर्मचारी है, संविदा कर्मी है, कोई भी है, जिसमें आपके ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, संविदा कर्मचारी में सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है कि अगर कोरोना अभियान की ड्यूटी पर रहते हुए अगर किसी की कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके लिए भी 50 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी। कोरोना के खतरे के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ऑपरेशन नमस्ते के तहत सेना के जवान जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों के कई लोग जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं। जरूरत का सामान पहुंचाने का काम सेना के जवान कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सेना के ऑपरेशन नमस्ते के तहत गुरेज इलाके में भी कई लोगों को खाने पीने का सामान बांटा गया। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए भी सेना ने घाटी में अभियान चलाया और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। बाजार में मत फालतू में घूमिए, इस बीमारी से बचिए, अपने अपने घरों में सही सलामत और सेफ रहिए। एक इलाके में कुछ लोग बिना किसी जरूरी काम के घूमते हुए मिले तो एक जवान ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उन सभी को समझाया। तो मास्क का इस्तेमाल करो, इमरजेंसी होती है, सब्जी लेना है, दवाई लेनी है, तभी बाहर आओ, बाकी अपने घर में बैठो आराम से। इसके अलावा सेना की अपील पर कई मस्जिदों में भी मौलवी वहां आने वाले लोगों को समझाते नजर आए। इलाके के लोगों ने कोरोना से लड़ाई में सेना की भूमिका की तारीफ की। मैंने चंद दिन पहले गुरेज 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड से बात की थी, उन्होंने मेरी इल्तिजा को सुनकर लोगों के मुश्किलात को दूर किया। उत्तराखंड के रामनगर में लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर परिवार के कुछ बच्चों ने अपने घर की दीवार पर पेंटिंग की। इन बच्चों ने अपनी पेंटिंग में कोरोना वायरस के फैलने के पीछे प्रकृति से छेड़छाड़ को दिखाया। साथ ही इन बच्चों ने अपनी पेंटिंग में जियो और जीने दो का संदेश भी दिया। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की,
जहां जागरूक करने के लिए लोगों को छोटे बच्चे पेंटिंग करते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना से लड़ाई में 7 साल की एक बच्ची ने भी अपना योगदान दिया है। ये बच्ची अपनी गुल्लक लेकर इलाके के विधायक के साथ कलेक्टर के पास पहुंची और उनकी मदद से अपनी गुल्लक के 8,300 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाए। ये बच्ची कोरोना से पीड़ित लोगों और लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई है। बिहार के आरा में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर निकल रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बेवजह बाइक पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने लाठी से पिटाई कर डर भी दिखाया और बाइक पर 2 लोगों को ना बैठने की हिदायत भी दी। पुलिस ने कई लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई और दोबारा गलती ना करने की चेतावनी दी। इस बीच कई लोग पुलिस को देखकर बचते हुए भी दिखाई दिए। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कही जाने वाली धारावी में कोरोना के 20 से ज्यादा मरीज और 3 लोगों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है। धारावी को मुंबई का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट माना जा रहा है, इसीलिए धारावी के कई इलाकों को कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में बांटा गया है। राज्य सरकार धारावी में डोर टू डोर चेकअप के लिए 150 डॉक्टर्स और नर्सों की टीम बनाने में जुटी है। वहीं पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी कर रही है। पुलिस ने क्वारंटीन किए गए इलाकों के साथ तंग गलियों में भी ड्रोन तैनात किए हैं। जैसे ही किसी जगह पर लोग घर से बाहर दिखते हैं, वैसे ही ड्रोन में लगे स्पीकर के जरिए उनको चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा मुंबई के हॉटस्पॉट वाले इलाकों को निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आप पर हमारी पूरी नजर है, कृपया आप अपने घरों में रहे। मैं यहाँ हर गली हर मोहल्ला देख पा रहा हूँ, आप 3-4 लोग करके दरवाजे में भी ना बैठे। कृपया आप अपने घरों में रहे। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनका वीडियो चित्रीकरण हो रहा है, कृपया वो ये जान ले कि आप पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यूपी के आजमगढ़ में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल पर उन्हें भूखा रखने पर मजबूर करने का आरोप लगाया है। मरीजों और उनके परिजनों के मुताबिक उन्हें अस्पताल की तरफ से खाना नहीं दिया गया और लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलने पर भी रोक है। ऐसे में मरीज ही नहीं उनके परिजनों को भी भूखा रहना पड़ा। वहीं इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से हालचाल जाना। वहीं अस्पताल ने मरीजों को खाना देने का दावा किया, लेकिन उनके परिजनों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी नगर पालिका पर मढ़ दी। यहाँ कल भोजन नहीं पहुंचा था, एक घोर लापरवाही है। जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, जहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय सोच रहे हैं कि सबको भोजन मिल जाए, लेकिन निचले स्तर के उनके जो अधिकारी हैं लग रहा है काफ़ी बिगड़े हुए हैं इस कोरोना वायरस में, और सरकार की छवि को और जिला प्रशासन की छवि को बदनाम करना चाह रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ऐसे जो बिगड़े कर्मचारी हैं जो मानवता का हनन कर रहे हैं, लोगों को अस्पताल में दिन भर भोजन से उपवास रखे हैं, ऐसे कर्मचारी जो नगर पालिका के योग शायद यहाँ जिम्मेदारी है और उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है, उन लोगों के विरुद्ध जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें, उन्हें दंडित करें। बिहार के सिवान में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर यूपी के देवरिया में हड़कंप मच गया। सिवान से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया और बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। बड़े अफसरों के साथ ही एक मेडिकल टीम भी यहां भेजी गई है। सीमा से गुजरने वाली हर गाड़ी की जाँच की जा रही है और उसमें सवार लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बिहार के सिवान में कोरोना के 29 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 23 लोग एक ही परिवार से जुड़े हैं। इन मरीजों के सामने आने के बाद कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुट गई है। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस की 2 टीमें उस इलाके में लगातार निगरानी रख रही है जहाँ कोरोना के 23 मरीज रहते हैं। वहाँ के 127 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है।
जबकि इलाके के सभी गांवों को सील कर दिया गया है और केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। बिहार के रोहतास में लॉकडाउन के दौरान लापरवाही देखी गई। यहां सब्जी बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर खरीदारी करते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक सब्जी वालों को दूर दूर बैठने के आदेश दिए गए थे, लेकिन ना तो दुकानदारों ने बात सुनी और ना ही खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने बात सुनी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के आज हम लोग पड़ाव मैदान में डिस्टेंस बनाकर सभी सब्जी वाले को अलग अलग जगह चिन्हित करके उनको जगह लोकेट करके दे दिए हैं और शहर के हर क्षेत्र में हम लोग आज ऐसा किए हैं, इसलिए आज शहर में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। पहले भी था, लेकिन कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे, उनको पनिशमेंट भी दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बातचीत में कोरोना वायरस से लड़ने की कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता जाहिर की है। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका का पूरी तरह एहसास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में पूरी तरह से भारत सरकार के साथ है और इसके लिए जो भी मदद संभव होगी हम करने के लिए तैयार हैं। केरल के मल्लपुरम में पुलिस ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी में जुटी है ताकि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन ड्रोन से की जा रही निगरानी के दौरान कई ऐसे लोग दिखाई दिए जो लॉकडाउन लागू होने के बाद भी घरों से बाहर घूम रहे थे। एक छोटे पुल के नीचे एक साथ कई लोग खड़े दिखाई दिए और जैसे ही लोगों की नजर ड्रोन पर पड़ी तो सारे लोग चेहरा छिपाकर भागने लगे। इस बीच एक आदमी ड्रोन से बचने की कोशिश में पेड़ के नीचे छिप गया, जबकि एक आदमी कपड़े से चेहरा छिपाकर भागता दिखा। इसी तरह दूसरे इलाके में भी बाहर घूम रहे लोग ड्रोन को देखकर भागते नजर आए। और इस वक्त मशहूर गायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। अब लॉकडाउन का दिन चल रहा है, शनिवार का दिन है आज, कैसे वक्त बिता रहे हैं आप? जैसे कि मैं तकरीबन 50-70% तो मेरी एक्टिविटी वही है जो पहले हुआ करती थी, यानी दिन में मैं 2 बार योगा करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, शारीरिक व्यायाम, और अब दुआओं से हाथ मेरे जुड़े रहते हैं ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, कि सबको सुकून की जिंदगी वापस दे। क्योंकि अंदर से सबसे बड़ी, कोरोना से भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो रही है जो मानसिक तनाव हो रहा है। जिस तरह से लोग मेरे से, मेरे करीबी या जानने वाले जो बात कर रहे हैं, वहां से पता चल रहा है कि मानसिक तनाव बहुत है। उसका एक हल है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट जो वर्ल्ड है उसको कनेक्ट किया जाए ताकि लोगों का थोड़ा ध्यान बटे। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, मैं ऐसी कोशिश वैसे सोशल मीडिया पे भी कर रहा हूँ और चैनल से भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरह से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को, ताकि लोगों का ध्यान बटे, लोगों का मनोरंजन भी हो, लेकिन साथ में सहजता के साथ लोगों को ये भी मैसेज दिया जाए कि इस वक्त जो इसकी कोरोना की दवाई है, जो मेडिसिन है, वो है सहयोग, कॉपरेट, मतलब घर पे रहो, और जिनके पास घर नहीं है वो कहाँ रहे, उसका भी इंतजाम लगभग हो गया है, प्रशासन कर रहे हैं। देखिए, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि मानसिक तनाव लोगों को बहुत खाए जा रहा है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो घर पर बैठे हैं तो उनका मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट हो और एक पॉजिटिव स्पिरिट उनके अंदर जगाई जाए। तो सुखविंदर जी, मैं चाहूँगी कि आप कुछ गाकर सुनाइए। इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, ज़रा उस मानसिक तनाव से बाहर आएँ और थोड़ा खुश महसूस करें। एक्चुअली कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं जो लोगों का दिल बहला सके। अभी मैंने फिलहाल तो एक प्रार्थना भी लोगों के लिए, एक दुआ भी की है। समीर जी ने लिखा है, हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता, सब है अंधेरों में प्रकाश दे दाता। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ये कोरोना जो है इसे कोई इसे अल्टीमेटली लड़ रहे हैं प्रशासन, हम भारतीय पूरी तरह से लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो 10% जो इसको नहीं समझ रहे हैं, या जानबूझ के अगर कोई शरारत से या ऐसे ही बिना वजह से ही यहां वहां टहलने के मूड में आते हैं,
वहां से ये रिमेन रहेगा और उत्पन्न होगा, लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। टहल रहे इधर उधर और जो अनुशासन के साथ घर में है, दोनों को मिलाकर के गाना हो जाए। हाँ ये बात तो जरूरी है, आप मतलब बोलो मत, पहले गा दो कुछ। हे आजा आजा दिल नहीं छोड़े, अभी दिल नहीं कोरोना नहीं छोड़े, रात की मटकी फोड़े कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक को तोड़े, अरे तिल तिल तारा मेरा तिली ही का तेल, कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल, चल चल घरों में ही होगी ढैंग ढैंग, पहले ये है कि चल चल सड़कों पे होगी ढैंग ढैंग, अभी आपको घरों में अपने घर में कितनी सारी एक्टिविटीज है करने की, कितनी सारी घर है, कोई कांटों का बाजार नहीं, कोई कांटों का फ्लोर नहीं है, घर है, घर वालों के साथ नहीं है, और जो प्रशासन आपको हिदायत दे रहा है उसको फॉलो करिए, और अगली बार जब मैं इस चैनल पे आऊंगा तो पूरे साजो सामान के साथ, पूरे अपने जो जो मैं बजाता हूँ घर पे गाता हूँ वो सब बिल्कुल आप लेकर आइएगा, लेकिन आपकी जो आवाज है उस पर जो ताकत और पहुंच है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप गाएंगे और अभी आपने जो गाया वो बहुत दूर तक गया। एक बात मुझे बताइए सुखविंदर जी, अब आम लोगों के लिए आप गाते हैं, आम हो खास हो देश का हर नागरिक आपकी आवाज से आपके गानों से प्रेरणा लेता है, ये जो डॉक्टर्स और नर्सेस इस वक्त लगातार काम में लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी जो लगातार काम में लगे हुए हैं, इन कोरोना के सेनानियों के लिए एक संगीतमय सलामी दीजिए, कोई गाना जो आप इनको डेडिकेट करना चाहें। अगर आप जाएंगे अस्पताल में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, देन यू विल कम टू नो, आपको पता चलेगा डॉक्टर पुलिस हर जगह है और नर्सेज है, हर तरह का कर्मचारी, हर तरह का, वहां अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो भी कितनी सेवा कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, we must appreciate। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, आप सबको मैं दिल से अपनी अंतरात्मा से आपका अभिनंदन करता हूं जो उस सेवा में लगे हैं, क्योंकि परिवार उनके भी है, भाई बहन बीवी बच्चे माँ बाप उनके भी हैं, लेकिन वो सबसे विमुख होके सबका मोह छोड़कर वो उनकी सेवा में लगे हैं, हर कोई, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, पुलिस है, सफाई कर्मचारी है, और जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, एवरीवन इज डूइंग सर्विस, अपनी जान को सरेआम हथेली पे रख कर रहे हैं, हमको कहा जा रहा है घरों में रहो, और घर तो उनके भी है, उनका भी परिवार है, वो सबको छोड़ के सेवा में लगे हैं। इस वक्त मैं ये सरेआम कहना चाहूंगा कि वो ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही रूप है, इसलिए हाँ जी, ईश्वर का रूप है ना, ये जो आपने दो लाइनें इस फिल्म के गाने की गाई, मैं चाहती हूँ उसे और गुनगुनाइए, आप इसे और गुनगुनाइए। मैं लोगों की हिफाजत के लिए जो वाहेगुरु से जो प्रार्थना की है जी, बिखर गए हैं टूट गए हैं जो अपनों से छूट गए हैं, बिखर गए हैं टूट गए हैं जो अपनों से छूट गए हैं, उनको अपनी बाहों का आकाश दे दाता, हम सब हैं अंधेरों में प्रकाश दे दाता, हिम्मत दे हौसला दे विश्वास दे दाता, हम सब हैं अंधेरों में प्रकाश दे दाता। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज आप घर पे करिए जिसके जिससे आपका मन बहले, छोटी छोटी, कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये तकरीबन आधे से ज्यादा ये मुसीबत हल हो चुकी है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है।
सुबह सुबह सब बात जो आप ये बड़ा पॉजिटिव जो बात कह रहे हैं ना कि आधा से ज्यादा जो जंग है ये हम लड़ करके जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पूरे इंडिया का जज्बा सुखविंदर जी दिखाई दे रहा है, पूरा इंडिया, पूरा भारत पीएम की अपील पर, आप जैसे सेलिब्रिटीज की अपील पर, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन्ड हैं, घरों में मौजूद हैं। आपने चक दे इंडिया गाया है, मेरे ख्याल में अभी अगर वो गाना आप गाएंगे तो वो पूरे माँ भारती भारतवासियों के लिए एक तरह से जबरदस्त गाना होगा अगर आप वो गाकर सुना दे तो। मैं सुबह से ही रियाज करके रखता हूँ ताकि मुझे मालूम है जब चैनल पे आऊंगा तो मुझे कई सारे गाने गाने हैं। मैं दोस्तों आपके लिए सारी जिंदगी गाता रहूंगा, सारी जिंदगी गाता रहूंगा। इस वक्त जैसा कि आपने सुना कि मोहतरमा ने भी कहा, जो मैंने पहले कहा था कि आधे से ज्यादा हम ये जंग जीत चुके हैं, ये कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ सेकंड्स में, कुछ घंटों में हो सकता है अगर 100% कोऑपरेट कर लिया जाए तो। मुझे मालूम है एक तकलीफ है, एक सेंटेंस जो बहुत ही शिद्दत के साथ कहा जा रहा है कि आप घरों में रहो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास घर नहीं वो कह रहे, तो उनके भी इंतजाम हो रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी की सहायता करनी है तो भी वहां पर अगर हुजूम इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। तो सहायता भी हमें बहुत सतर्क होकर करनी है। कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी डोले, अब कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे, हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। मैं न्यूज 18 की तरफ से और अपनी तरफ से आप सब के साथ एक वादा करता हूं, कुछ एक या दो दिन के अंदर मैं आपको एक आधे घंटे की एक ऐसी एक्टिविटी बताता हूं जो आप हर रोज करें और आप ऐसा चमक जाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, ये मैं वादा करता हूं। और मैं बहुत जल्द आपके समक्ष बहुत साधारण, बहुत सरल वो एक्टिविटी करके बताऊंगा लाइव आपको 5 मिनट के लिए, और फिर आप भी करिए, मैं तो करता हूं। और जी हम आपको तब भी बुलाएंगे, लेकिन चलते चलते गाने की एक प्रस्तुति और, क्योंकि जो चक दे आपने गाया उसने इतनी स्फूर्ति और जान भर दी है, इसीलिए चाहती हूँ कि चलते चलते एक गाना और दर्शकों के लिए। अब ये हो जाएगा कि मतलब जैसे नहीं अभी मन नहीं है, अभी पता क्या है, अभी कभी कभी अंदर से दर्द भी जागता है। अच्छा हाँ, दर्द भी जागता। 3 बार तो मैं दरवाजा खोल चुका हूँ कि कोई आया है शायद, उस मानसिक तनाव का हिस्सा मैं भी बना हूं, मुझे भी 3 बार ऐसा लगा कि शायद कोई आया है। तो वो है, तो अगली बारी मेरे है। ठीक है सुखविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, कम से कम आपने जो संदेश दिया हम उम्मीद करते हैं कि देश तक जाएगा, लोग आपको सुनेंगे, शुक्रिया आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, कोरोना से निपटने और लॉकडाउन बढ़ाने जैसे मुद्दों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही प्रधानमंत्री की मैराथन बैठक खत्म हो गई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। बैठक में पीएम ने संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ सकता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 2 और सप्ताह के लिए 14 अप्रैल के बाद ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। ये बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की अपील की है। अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लॉकडाउन पर फैसला केंद्र सरकार ले ताकि इसको पूरे देश में लागू किया जा सके। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 14 अप्रैल को 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ जो मैराथन बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई वो थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, जिसमें पीएम ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। और ये फैसला सभी मुख्यमंत्रियों, सभी स्टेक होल्डर्स से राय के बाद सामने आता हुआ नजर आ रहा है, संकेत ऐसे मिले, हालांकि अभी तक इस बात का कोई आधिकारिक या औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 2 सप्ताह के लिए और बढ़ सकता है लॉकडाउन, 14 अप्रैल के बाद अगर 2 सप्ताह आप और लगाएं तो कुल मिलाकर के ये जो मियाद है ये 30 अप्रैल तक जाती है, यानी अप्रैल का पूरा महीना हो सकता है कि लॉकडाउन रहे।
दो सप्ताह के लिए और बढ़ सकता है लॉकडाउन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की वो अभी अभी खत्म हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ, इस बारे में लगातार चर्चा हो रही थी और अब ये जानकारी निकल कर आ रही है दो और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। देखिए, एक चीज तो साफ है कि जब बैठक शुरू हुई थी और बैठक के पहले भी तमाम मुख्यमंत्री संदेश दे रहे थे और संकेत भी दे रहे थे कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। अमिताभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं हेलो, आवाज आ रही हमारी? हेलो, अमिताभ के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में लॉकडाउन दो सप्ताह और बढ़ाने के संकेत दिए। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कमोबेश इसी लाइन पर चर्चा भी हो रही थी। अमिताभ का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये 4 घंटे बैठक चली है, तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का ये जो मुद्दा है ये अपने आप में कितना बड़ा मुद्दा है, कितना गंभीर विषय है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि 2 हफ्ते और इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। 14 अप्रैल को देशव्यापी 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म हो रहा है, यानी अगले हफ्ते मंगलवार को। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है उसमें ये संकेत मिले कि 2 और हफ्ते ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। अमिताभ सिन्हा का हम रुख करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जी। अमिताभ, 2 और हफ्ते लॉकडाउन बढ़ सकता है? देखिए, जो बैठक हुई अभी मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बाद भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से सिर्फ 2-3 लाइनें हैं जो हमें बताई गई हैं। वो ये है कि सरकार जब मुख्यमंत्रियों से बात करके और तमाम सब स्टेक होल्डर से बात करके सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो लॉकडाउन है इसे 2 हफ्ते और बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, यानी लॉकडाउन बढ़ाया जाना तय है, लेकिन संकेत इस बात के हैं कि लॉकडाउन 2 हफ्ते ही बढ़ेगा। अमिताभ, लेकिन अगर 2 हफ्तों की भी बात की जाए, 14 अप्रैल को 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन खत्म हो रहा है, अगर आप उसमें 2 हफ्ते जोड़ दें तो तकरीबन 15 दिन और हो जाते हैं, यानी माना जाए 30 अप्रैल तक ये लॉकडाउन बना रह सकता है। बिल्कुल, ये पूरा संकेत है, पूरा महीना, और इस पूरे महीने में अगर स्थितियां काबू में रहती हैं तो भारत जो संक्रमण का फेज 3 है, कोरोना संक्रमण का, उसमें जाने से बच जाएगा। क्योंकि लगातार आप देखें तो कुछ क्लस्टर्स को छोड़ दे तो इन कोरोना का संक्रमण, संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है। इसलिए भारत सरकार के लिए ये चिंता दूर हो जाएगी, कम से कम 2 हफ्ते अगर सड़कों पर भीड़ नहीं होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ नहीं होती है, अगर मॉल से भीड़ नहीं होती है, भीड़ से दूर रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं, तो भारत कोरोना के भयंकर संकट से बच जाएगा। और शायद सरकार ने इसी को सोचते हुए तमाम राज्य सरकारों से चर्चा करते हुए, मुख्यमंत्रियों से सलाह करने के बाद अब सरकार इस नतीजे में पहुंच चुकी है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए बढ़ा देना चाहिए। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, सरकार ने सीधी तरह से यह संकेत दे दिया है, 2 हफ्ते पर विचार चल रहा है और प्रधानमंत्री का औपचारिक ऐलान बाकी है। जी अमिताभ, ये भी बताइए कि मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई आज प्रधानमंत्री की, बहुत लंबी चली, 4 घंटे तक हमने देखा ये बैठक चलती रही, सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। लॉकडाउन को लेकर के किन किन पहलुओं पर बात हुई और कमोबेश जितने भी मुख्यमंत्री थे उनके बीच से क्या एक मत राय निकल कर आई? देखिए, ज्यादातर अगर 100% को माने तो 99% लोगों ने, मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। अगर इक्का दुक्का भी आवाजें आई हैं अंदर तो वो इस बात पर आई होगी कि पार्शियल लॉकडाउन की बात सलाह लोगों ने रखी होगी, लेकिन एक संदेश पूरे बैठक से गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक है, जर्जर है, सब राज्यों को केंद्र सरकार मदद कर रही है, पीएम केयर फंड में मदद आ रही है, उससे लोगों को मदद मिलेगी, ग्रामीण महिलाओं को मदद पहुंचाई जा रही है, कैसे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को और आर्थिक जो गतिविधियां उसको बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तमाम मुख्यमंत्रियों को है मानवता की और आम आदमी, जो आम भारत का नागरिक है, उसके जान की रक्षा। सब ने एक सुर में यही कहा है कि अगर कुछ दिनों तक और ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, कुछ इलाकों को हम लोग सील रखते हैं, तो ये संक्रमण कम्युनिटी के स्तर पर फैलने से बच जाएगा और तब हम कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने में सक्षम होंगे अगले 2-3 महीने तक। तो इस तरह से भारत सरकार ने अंतिम मन बना लिया है, सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि 2 हफ्ते इसे बढ़ाने का
विचार चल रहा है, सरकार विचार चल रही है सबसे बात करने के बाद, औपचारिक ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे। और इस वक्त अमिताभ आप मेरे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को मैं ये भी जानकारी दे दूं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का हिस्सा थे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है, लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला एकदम सही फैसला है, लॉकडाउन अभी बढ़ाना बेहद जरूरी था। इस वक्त ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री की तरफ से जो संकेत दिया गया कि 2 हफ्ते लॉकडाउन और बढ़ सकता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस खबर पर एक तरह से मोहर लगाते हुए और वो ये कह रहे हैं ट्वीट करके कि लॉकडाउन बढ़ाने का पीएम मोदी का फैसला बिल्कुल सही है। अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक में बहुत साफ कहा था कि लॉकडाउन तो बढ़ना चाहिए ही और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 14 अप्रैल के बाद हमें किसी हालत में नहीं खोलना है। बिल्कुल, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक लगातार हो रही थी उसमें यही था कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे जहाँ मॉल्स हो, चाहे सिनेमाघर हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी जगह पे भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, भीड़ से ही संक्रमण का खतरा होता है। और यही चिंता मुख्यमंत्रियों को है कि लोगों का यानी जान माल का नुकसान न हो, लोग बीमारी से ग्रसित होकर ज्यादा जान से हाथ ना धो बैठे इस बीमारी के कारण। तो उस असली चिंता सबकी है, सबके प्राण की रक्षा करना, जान की रक्षा करना, सबको स्वस्थ रखना। जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने ट्वीट में भी कही है। उन्होंने ये कहा है कि अब तक जो फायदा हमें लॉकडाउन से हासिल हुआ है वो खत्म हो जाएगा अगर 14 अप्रैल के बाद हम लॉकडाउन को हटा लेते हैं। अमिताभ आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे संवाददाता विक्रांत यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विक्रांत, इस खबर पर ताजा जानकारी आप हमें क्या दे सकते हैं? आप कहा जा सकता है कि संशय के बादल खत्म हो गए हैं, लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद 2 और हफ्ते जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि बैठक अभी कुछ देर पहले खत्म हुई और अब ये साफ हो गया कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ेगा और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। और जिस तरीके से लगभग सभी राज्यों ने एक सुर में ये कहा था कि जो स्थिति है उसमें इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा तो जो कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब हुए हैं राज्य और केंद्र मिलकर, उसका खतरा बढ़ जाएगा। तो बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री ने अंत में संकेत दिया था कि वो सबकी राय से सहमत हैं और ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते के लिए तो लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके के संकेत दिए थे और उसकी आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री के जरिए की जाएगी। उम्मीद यही है कि आज ही प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दे सकते हैं जिसमें वो पूरी जानकारी देंगे कि अब तक की बैठक में क्या पाया और किस तरीके की जानकारी सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बड़ी बात आप कह रहे हैं, एक बार फिर से इस बात को अंडरलाइन कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए रखिए। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का फैसला हो गया कि 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ेगा और आप ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज ही राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, ये जानकारी साझा करते हुए? देखिए बिल्कुल इस तरीके की जानकारी आ रही है कि यह आज ही रात को प्रधानमंत्री कर सकते हैं, इस तरीके की जानकारी आ रही है क्योंकि लोगों को जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से ही मिलेगी और आधिकारिक जानकारी वहीं से मिलेगी क्योंकि सभी राज्यों ने कहा कि अगर राज्य के स्तर पर किया जाएगा तो वो उतने मजबूती से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राष्ट्रीय स्वीकार्यता है उसकी भी सभी राज्य सरकारों को पता है कि प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलते हैं तो उसकी ज़्यादा तरीके से लोग लागू करते हैं और अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा परिणाम उससे निकलेगा। सभी राज्य सरकारों ने लगभग ये अनुरोध किया प्रधानमंत्री से कि आप लोग आप इसके लिए केंद्रीय स्तर पर ये फैसला कीजिए और अगर केंद्रीय स्तर पर फैसला होता है तो उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। मेरे साथ बने रहिए। देखिए अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि कई विकसित देशों में ये लॉकडाउन की जो प्रक्रिया ये अच्छी है और हमने क्योंकि कई विकसित देशों से पहले लॉकडाउन शुरू किया था, अगर इसे अभी खत्म किया जाता है तो इस लॉकडाउन का अब तक भारत को जो भी फायदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन को बढ़ाना बहुत अहम है। तो विक्रांत भी हमें यही बात बता रहे थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मैराथन बैठक का हिस्सा थे, प्रधानमंत्री के संकेत पर मुहर लगाते हुए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अंतिम फैसला है कि 14 अप्रैल के बाद 2 और हफ्ते इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए वो अच्छा फैसला है और अरविंद केजरीवाल उसके लिए बाकायदा अपनी तरफ से कारण भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन करके हमने अच्छा निर्णय लिया, विकसित देशों के मुकाबले भारत ने कदम पहले लिया और इस वजह से लॉकडाउन के अब तक जो फायदे सामने आए हैं लॉकडाउन हटाने से वो खत्म हो सकते हैं, लॉकडाउन बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा भी जल्द की जाएगी। हमारे संवाददाता विक्रांत ने हमें अहम जानकारी दी कि हो सकता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी प्रधानमंत्री आज रात ही इसका ऐलान करें। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ये बैठक अभी अभी खत्म हुई है। विक्रांत ये भी बताइए कि पंजाब और ओडिशा ने
कल ये बात साफ कर दी थी कि वो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को अपने राज्यों में बढ़ाएंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ हो गई थी कि एक राज्य में लॉकडाउन हो और एक में ना हो, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सब उसी दिशा की ओर बढ़ रहे थे जहां इस लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाए जाने के संकेत साफ मिल रहे थे। विक्रांत, देखिए बिल्कुल नेहा, इसके दो कारण साफ दिखाई देते हैं। एक पहला कारण है कि अगर केंद्रीय स्तर पर होगा, केंद्र सरकार की तरफ से होगा, तो राज्यों पर वो इम्प्लीमेंट करना राज्यों के लिए आसानी होगी क्योंकि राज्यों की सीमाएं खुली हुई हैं। एक राज्य ने कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन उतना बेहतर नहीं हो सकेगा। इसी कारण ज़्यादातर राज्य ये चाहते थे कि केंद्र की तरफ से एक घोषणा हो और प्रधानमंत्री खुद ये घोषणा करें कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। उसका एक कानूनी फायदा तो यह होगा ही कि पूरे केंद्र में, पूरे देश पर वो लागू एक साथ होगा, और साथ साथ उसका एक और फायदा भी होगा कि प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रीय स्वीकार्यता है, जिस तरीके से वो देश के लोगों में अपनी जब बात बोलते हैं तो उसको माना जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो एक बड़ा कारण है कि राज्य सरकारें भी ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री इस बारे में अपनी बात बोल करके और एक साथ केंद्रीय स्तर पर इसे लागू करवाए। वैसे आज की बैठक में मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जिसने ये कहा हो कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए। कुछ राज्यों की अपने वित्तीय स्थिति को लेकर के चिंता जरूर थी, लेकिन उनका यह कहना था कि केंद्र इस मामले में उनकी चिंताओं को भी देखे, लेकिन उसके उन सब चिंताओं के बावजूद, आर्थिक जो चिंता उनकी है उसके बावजूद, सभी राज्यों ने यह कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लॉकडाउन के 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान जो घोषणा की गई थी उसका एक बेहतर परिणाम मिला है देखने को, और जो कोरोना को लेकर के एक बड़ी चिंता थी ये उसको काफी हद तक काबू किया जा सका है। और अब ऐसे एकदम क्रूशियल जगह पर हिंदुस्तान पहुंच चुका है, अगर इस समय लॉकडाउन खोला गया तो उसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राज्यों की राय के बाद ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी राय को उन्होंने सुना है और वो उन्हें ऐसा लगता है कि इसको लॉकडाउन को अभी कुछ बढ़ाना पड़ेगा, करीब 2 हफ्ते बढ़ाना पड़ेगा। तो ये साफ संकेत है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और उसकी घोषणा, आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। जी विक्रांत, ये भी बताइए, जो जानकारी हमें मिल रही है और आप ही इस पर मोहर लगा पाएंगे, कि प्रधानमंत्री ने बैठक में ये भी कहा कि जान भी जहान भी दोनों जरूरी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चीज रही कि बाकी सब चीजें, भले ही आर्थिक विकास का पहिया धीमी गति से चल रहा हो और मुश्किलें आ रही हो, लेकिन अगर लोगों की जान सलामत है तो बाकी सब कुछ दोबारा हासिल किया जा सकता है। इस बात पर प्रधानमंत्री ने लगातार जोर दिया। विक्रांत, देखिए बिल्कुल नेहा, जो प्रधानमंत्री ने आज अपना ओपनिंग रिमार्क दिया था, यानी बैठक जब शुरू की थी मुख्यमंत्रियों के साथ, तो प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआती ओपनिंग रिमार्क में ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और लॉकडाउन का पालन करना बेहद ज़रूरी है, और अब भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान भी जहान भी दोनों पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चिंता को समझते हुए प्रधानमंत्री ये साफ समझते हैं कि राज्यों का इस समय टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, लगभग नगण्य स्तर पर आ गया है। राज्यों की वित्तीय स्थिति पर काफ़ी असर लॉकडाउन के दौरान पड़ा, ये बात भी केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जानते हैं, उनसे बेहतर शायद ही कोई जान पाएगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद, क्योंकि राज्यों की भी पहली चिंता अपने लोगों की, नागरिकों की जान बचाना है, और केंद्र की भी पहली चिंता यही है कि लोगों की जान बची रहे, सबसे बड़ी जरूरत ही वही है। उसके बाद आर्थिक स्थिति आती है और उसको लेकर के भी सरकार के पास अपनी एक प्लानिंग चल रही है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर कहा जाए तो पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। और इसी कारण जो राज्य सरकारें भी हैं वो अपने आर्थिक नुकसान के बावजूद, उनका ये कहना है कि अभी लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि जनता की जान जो है वो सबसे सर्वाधिक प्राथमिकता वाला कदम है, उसको बचाने के लिए हर राज्य एक साथ मिल करके केंद्र के साथ काम करने को तैयार है। राज्य सरकारों ने अपना अनुरोध किया प्रधानमंत्री को, ना सिर्फ बीजेपी शासित मुख्यमंत्री बल्कि जितने विपक्ष के, कांग्रेस और अन्य दलों के शासन वाले राज्य हैं, उन्होंने भी खुल करके ये कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में आगे लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए और प्रधानमंत्री को ही इस मामले में केंद्रीय स्तर पर इसकी घोषणा करनी चाहिए। तो ये दिखाता है कि लॉकडाउन को लेकर के तमाम राज्य एकजुट थे और इस मसले पर सारी राजनीतिक दलों की जो राजनीतिक विचारधारा है वो परे रखते हुए सब एक मसले पर कोरोना से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी, बड़ी जानकारी आप विक्रांत दे रहे हैं। आपने हमें ये भी बताया कि हो सकता है कि आज ही प्रधानमंत्री रात को लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा कर दें। सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी आपको विक्रांत मिल पा रही है कि कब तक, किस वक्त, आज रात प्रधानमंत्री ये घोषणा कर सकते हैं?
देखिए ये इसलिए इस बात के कयास अभी लगाए जा रहे हैं, अभी नया आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि कितने बजे प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन इस तरीके की खबर जरूर आ रही है कि हो सकता है कि आज ही इसकी घोषणा कर दी जाए, क्योंकि आधिकारिक रूप से कई अब जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हम ट्वीट पढ़ें तो वो लॉकडाउन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया कर रहे हैं, तो अभी आधिकारिक तौर पर तो लॉकडाउन भी नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन क्योंकि उसकी घोषणा प्रधानमंत्री के जरिए होगी, लेकिन हो सकता है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को जो आश्वासन दिया है उसी को मुख्यमंत्रियों ने मान लिया है, लेकिन वो आश्वासन जनता के सामने प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश में ही सामने आएगा। तो अब चूंकि आज ही ये बैठक हुई है, विक्रांत की बड़ी खबर है इस वक्त की, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। प्रधानमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान आज ही कर सकते हैं, 2 हफ्ते तक बढ़ेगा लॉकडाउन।